एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतल्स का बहुत ही अच्छा रीयूज़ बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ ली है 9 स्ट्रिंग्स की बोतल, जो कि बच्चे फेंक देते हैं पीकर, लेकिन मैं इन्हें इकट्ठा कर लेती हूँ और इन्हें हमें यहाँ से करना है कट। तो इन्हें हम थोड़ा सा ब्लेड की मदद से यहाँ कट लगा लेंगे और इन्हें कर लेंगे कट। तो ये इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो हमें कट करना है। तो मैंने इस तरीके से कट कर लिया था और जो अब इसका ये रैपर है, इसे हम हटा देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से पीस आ चुका है हमारे पास। तो इसी तरीके से मैं जो साइड में बोतल्स रखी हुई हैं, उन सभी को इस तरीके से कट कर लूँगी। तो ये मैंने कट कर लिए हैं। अब कट करने के बाद में यहाँ मैंने लिया है एक लेस और फेविकॉल की हेल्प से जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इस पे मैं इस तरीके से पूरा पेस्ट कर दूंगी और फिर इसे मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी और जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर दूंगी, बस इस तरीके से। तो ये सूख जाएगा। इसी तरीके से जो और भी ये साइड में रखी हुई हैं बॉटल्स, इन सभी पर हमें लेस लगानी है। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है, आप बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, सभी में मैंने लगा ली हैं लेस। तो इन्हें रखते हैं साइड में। अब लेना है एक कार्डबोर्ड का बॉक्स खाली। तो ये मिठाई का डिब्बा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने ये ले लिया है और इस पर इस तरीके से हमें इन बॉटल्स को रखना है। और एक मार्कर या पेन लेना है और जो भी इसका शेप है, इस तरीके से हमें यहाँ निशान लगा लेना है। तो यहाँ मैंने निशान लगा लिया है, देखिए, और इसे कैंची की हेल्प से हम कट कर लेंगे। तो देखिए, ये मैंने कट कर लिया है। और अब लिया है मैंने एक फैब्रिक, आप कुछ भी ले सकते हैं, पेपर वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ फेविकॉल से मैंने यहाँ इस तरीके से यहाँ फेविकॉल लगा दिया और इस कपड़े को यहाँ इस तरीके से पेस्ट कर दिया। और ये सूख जाएगा, उसके बाद में हमें जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करना है। अब कट करने के बाद में दूसरी साइड भी इसी तरीके से फेविकॉल लगाना है और जो कपड़ा है उसे यहाँ पेस्ट करना है इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बाद में हम सूख जाएगा तो कट कर देंगे। तो देखिए, ये दोनों साइड से फिनिश हो चुका है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट कर दिया है। अब जो ये सारी बॉटल्स हैं, उन्हें इस तरीके से हमें यहाँ रखना है। तो ये मैंने रख दिया है। अब रखने के बाद में आप फेविकॉल से इन्हें पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ग्लूगन का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ग्लूगन की हेल्प से इन्हें यहाँ पेस्ट कर दूँगी, यानी कि चिपका दूँगी। ये फिर हिलेंगी नहीं, एक जगह फिक्स हो जाएंगी। तो देखिए, ये सारी फिक्स हो गई हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो लेस मेरे पास रखी हुई है उसे, जो नीचे का ये एरिया है, इसे कवर करूँगी, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ ग्लूगन की हेल्प से मैं कर रही हूँ, आप यहाँ फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मेरी जो एक लेयर है वो यहाँ पूरी फिनिश हो गई है और यहाँ मैं इसे कट कर दूँगी, एक्स्ट्रा है जो। और इसी तरीके से ऊपर की 2 लेयर भी मैं यहाँ लगा लूँगी। तो देखिए, यहाँ मैंने 3 लेयर लगाई हैं नीचे। तो अभी ये ऊपर से इस तरीके से अलग अलग है, तो मैं इसे इस तरीके से एक दूसरे से पेस्ट कर दूँगी। तो ये यहाँ ये सारी मैंने पेस्ट कर दी हैं। अभी इस तरीके से हमें एक और नीचे का जो बेस बनाया था, ऊपर के लिए बेस बनाना है और ये यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है हमें, जिससे कि ये ऊपर का जो ढक्कन है वो बन सके। तो यहाँ मैंने ये कट कर लिया है और ये थोड़ा थिक बने तो डबल मैंने कट किया है। और जैसे वो हमने पहले फिनिश किया था, उसी तरीके से मैंने इसको भी फिनिश कर लिया है। और यहाँ अब मैंने ली हैं 1-1 इंच की ये पट्टियाँ, ये भी कार्डबोर्ड की हैं और इसे हमें कपड़े पर पेस्ट करना है। तो यहाँ फेविकॉल की मदद से मैं इसे ये इस तरीके से पेस्ट करूँगी और दूसरी तरफ भी लगाऊँगी। तो एक तरफ से ये पूरा फिनिश होगा और एक तरफ से कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसे चिपकाने के लिए मैंने ये जो क्लॉथ क्लिप्स हैं उनको यहाँ इस तरीके से अटैच कर दिया है। ये सूख गई हैं तो इन्हें मैंने निकाल लिया है। और अब हमें क्या करना है, इनको स्मूथ बनाना है। जो हमने ये पट्टियाँ तैयार की हैं उन्हें स्मूथ बनाना है इस तरीके से। और इसका जो फिनिश वाला साइड है वो हमें अंदर की साइड रखना है और इनका जो अनफिनिश वाला साइड है वो बाहर की साइड रखना है। और इसे इस तरीके से हमें यहाँ पेस्ट करना है। तो यहाँ मैंने ग्लूगन का यूज़ किया है और इन्हें सबको पेस्ट कर दिया है। और स्टिक्स जैसे ख़त्म होती जाएँ आप एक दूसरे से अटैच करते जाइए और बस यहाँ इस तरीके से पूरा ये कवर हो जाएगा। अभी ये कवर हो चुका है और जो एक्स्ट्रा है वो हमने कट कर दिया है।
अब यहाँ देखिए ये अनफिनिश्ड है, तो इसको फिनिश करने के लिए यहाँ मैं करूँगी लेस का यूज़। तो इस तरीके से मैं यहाँ ऊपर लेस लगाऊँगी। तो ये ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ पूरे मैं इसी तरीके से मैं लेस लगा लूँगी। तो ये एक साइड फिनिश हो चुकी है ऊपर वाली। अब इधर दोबारा से एक बार मैं लैश लगाऊंगी, जो अनफिनिश्ड साइड थी इसकी वो सारी फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ मैं इस तरीके से पूरे में एक बार फिर से लैस का ही यूज़ करूँगी। और ये देखिए पूरे में मैं इसे फिनिश कर लूँगी। और फ्रेंड्स, युगल जोड़ी ब्रज दर्शन पर वीडियो आने वाला है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर वो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए फिनिश हो चुका है, और जो ये थोड़ी सी पट्टी बची हुई थी तो यहाँ भी मैंने इस तरीके से लैस लगा दी है, तो इसका जो हैंडल है वो बन जाएगा। इस तरीके से हम जो हैंडल है उसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हमारा ऊपर का जो ढक्कन है वो तैयार हो चुका है। चलिए आपको दिखाती हूँ इसे, और ये इसका फाइनल लुक है। इसमें आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं, अपने वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं, अपने स्टिचिंग का सामान रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए अब जो दूसरा आइडिया है वो बताती हूँ। ये ऊपर के जो बचे हुए थे देखिए इनका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। जो ये नीचे वाली साइड है यहाँ हमें इस तरीके से छेद करनी है। तो ये मैंने एक वायर लिया था और गैस पर गर्म किया, और इसमें नीचे इस तरीके से ये दो छेद कर लिए हैं। तो दोनों इस तरीके से हमें छेद करने हैं, इस साइड और इस साइड, जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से हमें करने हैं। जैसे इसमें किया है ऐसे ही इन सारे पीसेज में हमें करने हैं। तो देखिए यहाँ मैंने ये इस तरीके से होल हो चुके हैं इसमें देखिए। अब हमें लेना है सुई और धागा। तो यहाँ मैंने टू लेयर में लिया है, यानी कि मजबूत धागा लेना है हमें, और इन सारे पीसेस को हमें जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए अब जो ऊपर ये साइड है यहाँ हमें इस तरीके से निशान लगाना है दो, और यहाँ इसमें इस तरीके से होल करने हैं। तो यहाँ मैंने एक सुई ली है मशीन वाली, और इसे एक तरफ से निकालते हुए दूसरी तरफ से निकाल दिया है। तो यहाँ देखिए दो होल कितने अच्छे से हो चुके हैं। अब ये जो निडल और हमने थ्रेड लिया है, तो यहाँ जो हमने दो होल किए थे वहाँ से हमें निकालना है एक साइड से, और अब जो ये दूसरा वाला पीस है उस में हमें ऊपर से निकालते हुए इस तरीके से हमें निकालना है, यानी कि इन्हें हमें अटैच करना है। जैसे हम सिलाई करते हैं उस तरीके से यहाँ मैंने अटैच कर रही हूँ। तो मैं यहाँ सुई धागे का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ग्लू गन वगैरह हर किसी के पास नहीं होती है। तो आप इस तरीके से भी यहाँ बहुत अच्छे से एक बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन के लिए बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो सारे पीसेस हैं उन्हें मैं यहाँ अटैच कर लूँगी। तो सारे मैंने थ्रेड और निडल की हेल्प से ही अटैच किए हैं, जिससे कि इनमें एक मजबूती रहे। तो सारे अटैच हो गए हैं। ये लास्ट वाला है, इसे भी मैं अटैच कर रही हूँ, और शायद एक और बचा हुआ है उसे भी करूँगी। तो इसी तरीके से मैं सारे जो पीसेस हैं सभी को मैं अटैच कर लूँगी। देखिए इस तरीके से ये कुछ बन जाएगा, और इसे मैंने वॉल पर लगा भी दिया है। तो कुछ कील्स की हेल्प से मैंने वॉल पर लगाया था इन, और देखिए ये कितना प्यारा सा डेकोरेशन के लिए बन चुका है। और मैंने यहाँ कुछ फ्लावर्स लगा दिए हैं, तो ये कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप घर में वेस्ट पड़ी हुई बोतल से बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र और डेकोरेशन के लिए आइटम्स बना सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर ये ऑर्गेनाइज़र बना हुआ है, और मैंने डेकोरेशन के लिए एक कितना अच्छा आइडिया भी लगा लिया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी। जय श्री राधे कृष्णा।